हेलो फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर भावेश सतवानी एंड आई एम अ लंग स्पेशलिस्ट आल्सो कॉल्ड एज अ पलनोलॉजिस्ट हम मैं अभी जी बी एच अमेरिकन जी बी एच जनरल हॉस्पिटल और जी बी एच मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में जो कि एक बहुत ही कॉमन बीमारी है uh, बहुत uh, आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के बीच कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको मौसम बदलने पर यहाँ धूल मिट्टी में जाने पर सांस फूलता है कई बार फेफड़े में से जब हम सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज आती है और कुछ डॉक्टर्स ऐसे पेशेंट्स को कई बार इनहेलर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि ये पेशेंट्स कभी लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं और फिर वापस बीमार पड़ते हैं और फिर लेते हैं तो ये बीमारी क्या है ये बीमारी होती है अस्थमा जिसमें शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण एलर्जी होती है और फिर एलर्जी जब लंग्स में होती है तो वो सांस में दिक्कत के कारण सांस में जो सांस की नलियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उनसे फिर सांस लेने में मरीज को दिक्कत होती है तो ये अस्थमा होता क्यों है और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं और अगर किसी को अस्थमा है तो फ्यूचर में उसकी लाइफ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अस्थमा के अटैक्स ना आए और अस्थमा लंबा ना चले और उसके दुष्प्रभाव शरीर पे ना पड़े तो आ, सांस फूलना मौसम बदलने के कारण या धूल मिट्टी में जाने पे या कुछ सूंघ लिया परफ्यूम सूंघ लिया या कुछ खा लिया तो सांस फूलने लग गया अचानक सांस की नलियाँ सिकुड़ गई ये बीमारी होती है अस्थमा हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं लाइक स्पायरोमेट्री हो गया स्किन टेस्ट हो गया कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं बेसिकली अस्थमा होता है इसलिए है क्योंकि पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी होती है वो एलर्जी कुछ भी हो सकता है एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है धूल से हो सकती है ठंड से हो सकती है खाने में कुछ खा लिया उससे हो सकती है पौधों से हो सकती है तो वो टेस्ट करना और पता लगाना किस चीज़ से एलर्जी है वो तो डॉक्टर का, का काम है लेकिन पेशेंट अगर खुद को एनल, थोड़ा सा भी एनालाइज करे और सोचे कि उससे किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किस चीज़ की वजह से उसकी सांस फूलती है और अगर ऐसा है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और फिर हम लोग क्या करते हैं उसकी जो ज़रूरी टेस्ट हैं जो बेसिक टेस्ट हैं वो करके अस्थमा कन्फर्म करके इसका ट्रीटमेंट बेसिकली बहुत ही सिंपल है कुछ इनहेलर्स हैं जो पेशेंट्स को रेगुलर बेसिस पे लेने होते हैं दो से तीन महीने के लिए लंबा इलाज चल सकता है लेकिन ज़्यादातर मरीजों को तीन से छः महीने तक अगर इनहेलर्स रेगुलर लेते हैं तो आराम पड़ जाता है और उसके बाद फिर हम पेशेंट को रिव्यू करके उसको एडवाइस दे देते हैं कि उसे इनहेलर्स किस कितने दिन तक लेने हैं कब कब लेने हैं ज़रूरी यह है कि पेशेंट अपनी बीमारी को इग्नोर ना करें और टाइम रहते डॉक्टर को बताएं क्योंकि अगर इसमें टाइम पे डॉक्टर को नहीं बताया जाए और इलाज नहीं लिया जाए तो अस्थमा का अटैक आने के कारण जान भी जा सकती है कई पेशेंट्स को अटैक आता है और उस समय अगर उनका दवाई नहीं होती है तो उनकी सांस अटक जाती है जो कि जानलेवा हो सकता है और अगर ऐसा बार बार अगर होता रहा पेशेंट के साथ तो फिर अस्थमा क्रोनिक हो जाता है जिसमें इनहेलर्स काम नहीं करते हैं कुछ पेशेंट्स का अस्थमा इतना सीवियर होता है कि इनहेलर से असर नहीं होता तो उनको ओरल स्टेरॉइड्स यानी कि टैबलेट्स के फॉर्म में स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं या कुछ हमारे पास इंजेक्शंस होती हैं जो काफ़ी महंगी इंजेक्शंस होती हैं जिन्हें आजकल हम बायोलॉजिकल्स कहते हैं वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है महीने में या दो हफ्ते में एक बार एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है जिससे सिम्टम्स पूरी तरह कंट्रोल में आ जाते हैं तो बेसिकली uh, हमारा ये पूरा डिस्कस करने का uh, पर्पज़ ये है कि अगर आपके आसपास या आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत हमारे पास आके अपनी जांच कराएं और हम टाइम रहते उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट चालू करेंगे ताकि अस्मा जैसी बीमारी को हम गंभीर होने से या शरीर पे उस पर गंभीर प्रभाव पड़ने से रोक सकें दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर है लंग कैंसर और राजस्थान में ये बहुत कॉमन है बेसिकली uh, जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उनमें लंग कैंसर कॉमनली देखा जाता है लंग कैंसर स्मोकिंग के अलावा दूसरे कारणों से भी हो सकता है uh, जैसे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर या इन्वायरमेंटल uh, पल्यूशन तो लंग कैंसर जनरली जब पेशेंट को होता है और उसको पता चलता है काफ़ी एडवांस कर चुका होता है जनरली पेशेंट्स स्टेज थर्ड या स्टेज फोर्थ पे हमारे पास आते हैं जब उनको सीने में दर्द या लंबी खांसी आना खांसी में खून आना भूख ना लगना वजन कम होना इन आ, इन सिम्टम्स के साथ जब पेशेंट हमारे पास आता है तब तक लंग कैंसर काफ़ी प्रोग्रेस कर चुका होता है तो आ, आज हम लंग कैंसर को क्यों डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम लंग कैंसर को शुरुआत में पकड़ सकें और शुरुआत में पकड़ पकड़ पाएंगे तो हम उसको ठीक कर पाएंगे जनरली पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो ठीक करने लायक स्टेज नहीं रहती स्टेज थ्री या फोर में आते हैं तो अगर आपको या आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार को ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जिनको सीने में दर्द रहता हो या खांसी में खून आता हो या थोड़ी बहुत चलने में सांस लेने में तकलीफ होती हो ऐसे सिम्टम्स को जिसको वो काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे हैं एक दो साल से ऐसा चले जा रहा है तो अगर ऐसा कुछ है तो आप तुरंत ला हमारे पास चेक कराइए ताकि हम टाइम रहते डायग्नोज कर सकें कि लंग कैंसर हैं या कोई और बीमारी तो नहीं है बेसिकली कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो लंग कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देते हैं जैसे की सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग उसके अलावा एज हो गया ओल्ड एज में लंग कैंसर ज़्यादा होता है मेल्स में ज़्यादा कॉमन है और ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन कारणों से भी लंग कैंसर हो सकता है कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि नॉन uh, स्मोकर्स में लंग कैंसर नहीं हो सकता तो हमारे पास जो नॉर्मल जांचें होती हैं जैसे एक्सरे सीटी स्कैन उसमें हम पता कर सकते हैं कि फेफड़े में गांठ है तो वो कहाँ है और फिर हम हमारे पास दूरबीन होता है उससे जांच कर सकते हैं या अगर दूरबीन से बायोप्सी नहीं ले सकते तो हम सिटी गाइडेड बायोप्सी करते हैं जिसमें सिटी की मशीन में डाल के एक सुई के द्वारा हम फेफड़े से बायोप्सी कर सकते हैं इन सब जाँचों में चार पाँच दिन लगते हैं उसके बाद हमें पता चल जाता है कि कैंसर कौन सा है और उसके बाद कैंसर के लिए जो ज़रूरी इलाज है जैसे कि कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी चालू कर देते हैं लेकिन अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज पर पकड़ में आ जाता है तो हम फिर उसका सर्जरी करके उसको पूर्णतः फेफड़े से निकाल सकते हैं और इस तरह से मरीज की जान बचा सकते हैं अगर कैंसर लास्ट स्टेज पर पकड़ में आता है तो फिर सिर्फ कीमो और रेडियोथेरेपी देने से मरीज की जान कुछ महीनों के लिए तो बढ़ जाती है लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करना असंभव हो जाता है तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके फेफड़ों में आ, कोई गांठ है आपको कभी किसी ने ऐसा कुछ बताया हो या आपको कोई सिम्टम्स हो, तो तुरंत से तुरंत आकर हमसे चेकअप कराएं ताकि हम अर्ली एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आपकी बीमारी को डायग्नोस करके उसको जांच करके उसका उसको कंफर्म कर सकें और उसका जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है हम टाइम रहते इलाज कर सकें ताकि मरीज की जान बचाई जा सके धन्यवाद जय हिंद जय मेवाड़ प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू